हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 21 है, जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बताइए कितने सदस्य कर सकता है। तो वह कर सकता है 12 सदस्य। ओके दोस्तों, और जो ये राज्यसभा है, ये जो होता है उच्च सदन होता है, और इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है 245। ठीक है दोस्तों, और ये जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? बताइए कौन सा है वह अनुच्छेद। तो वह है अनुच्छेद 368। ओके दोस्तों, और ये जो है भारतीय संविधान का संशोधन, भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें सदन के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमति किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के जो लेख है 368, उसके भाग 20 में दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता वह है? तो वह करता है राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इसके अलावा जो है वो नियुक्ति करता है और पदच्युति करता है, शासन संचालन संबंधी शक्ति है उसे, और सैनिक क्षेत्र में शक्ति है। ठीक है, वो सब इनको कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है, और इसके अलावा जो विधायी शक्तियाँ हैं उनमें है विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सभी जानते हैं, तो वह है महाभारत। ओके दोस्तों, और ये जो महाभारत है, ये धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रमुख महाकाव्य है भारत का, याद रखिएगा। और इसकी रचना किसने की थी? वो की थी वेदव्यास ने, और यह 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है, जिससे इसको जय संहिता तथा शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसमें दिया गया है रामायण। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसकी रचना किसने की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। वह की थी महर्षि वाल्मीकि ने, और यह 7 कांडों में विभाजित है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताइए, आप सभी जानते हैं, तो वह बनवाया था सम्राट अशोक ने। ओके दोस्तों, और ये जो अशोक था, ये बिंदुसार के बाद शासक बना था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वह कौन सा सम्राट था जिसने अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो वो अशोक ही थे। कलिंग युद्ध जब हुआ था, तब वहाँ पर व्यापक नरसंहार हुआ था, जिससे अशोक को विचलित कर दिया था उस युद्ध ने। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, और इन्होंने सांची के स्तूप के अलावा सारनाथ के स्तूप, तक्षशिला के स्तूप, इन सब का निर्माण करवाया था, और जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उन पर गुफाएँ निर्मित करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो एसएससी मेकर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है बताइए, तो वह है नीम, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का व्यवहार होता है बताइए, किसका होता है, तो वह होता है अमोनिया का, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए, किसने की थी, तो वह की थी जे थॉमसन ने, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थिति क्या होती है, नाभिक के चारों ओर होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है ये नेगेटिव में होता है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जाइलम, ठीक है, दारो या जाइलम। पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन उत्तकों में से एक है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है, और जो जाइलम होता है जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, इसका कार्य भी पूछा जाता है, ठीक है। और जो है रस आरोहण की क्रिया में जाइलम उसके भीतर होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए, तो वह मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये भारतीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंधवी के दिमाग में उपजी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहाँ पर है, तो वह है जिनेवा में, ओके दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये जो है 7 अप्रैल 1948 को स्थापित की गई थी, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948। और ये जो WHO है संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है, इसके पूर्ववर्ती स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र संघ की एक एजेंसी थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है बताइए, कौन सा वह, तो वह है एड्रीनेलिन, ठीक है, इसे एपिनेफ्रीन के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक हार्मोन भी है और एक दवा भी है। अधिविक आमतौर पर अधिविक ग्रंथियों और मज्जा विस्मृति में न्यूरॉन्स की एक छोटी संख्या दोनों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जहाँ पर यह आंत के कार्य को विनियमित करने में शामिल एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है, आपको कार्य भी पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ बताइए, कब हुआ था, तो वह हुआ था 19 नवंबर 1986 को। 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है, और विद्यमान राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, तो वह करता है गुर्दा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था बताइए, सावरकर के बारे में बताना है, किसके द्वारा था स्थापित, कौन सा नाम था गुप्त संगठन का, तो वह था अभिनव भारत, ओके दोस्तों। ये जो है अभिनव भारत, भारत का एक दक्षिणपंथी
हिंदू संगठन है जिसकी स्थापना 2006 में पूर्व में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त थे मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है बताइए, तो वह है आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में। और ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन वाला मार्ग है, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो है 165.5 किलोमीटर। ओके दोस्तों, और ये जो है परियोजना है ये एक, ये इसकी जो लागत थी, कुल लागत थी 128.39 अरब रुपए, ठीक है। और इसका जो निर्माण था मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आगरा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था बताइए, कौन था वह, तो वह थे शिवाजी। ओके दोस्तों, और ये जो शिवाजी है ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, स्थापना की थी इन्होंने। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी, और प्रथम हुआ था हमारा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हासिल हुई थी। सेकंड हुआ था हमारा 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें हेमू यानी विक्रमादित्य उनको पराजित किया था अकबर ने, याद रखिएगा ये तीनों युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो वह है बिक्री कर। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील पर बांध बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था बताइए, तो वह बनवाया गया था गुप्त द्वारा। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा का नाम दिरहम है बताइए, तो वह है संयुक्त ए अमीरात, ठीक है। ये जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश, और जो इसकी कैपिटल है वो है अबू धाबी, ठीक है। मुद्रा आप जानते ही हैं, UAE दिरहम। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।